दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पोको ने आज पोको M4 Pro लॉन्च कर दिया। ये कोई और स्मार्टफोन नहीं है, वही Redmi Note 11T जो है उसी को रीब्रांड करके लाए हैं और आपको जो रैम और स्टोरेज वेरियंट मिलते हैं वो उनसे थोड़े से अलग मिलते हैं। जैसे Redmi Note 11T में 6GB 64GB मिलता है तो इसमें 6GB 64GB नहीं है, 4GB 64GB है, तो प्राइसिंग थोड़ी कम कर दी है रैम कम करने की वजह से। चलिए अच्छी बात है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। बात करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग की और कब से मिलेगा। 22 फरवरी 22 फरवरी से दोपहर के 12 बजे फ्लिपकार्ट पे मिलना चालू हो जाएगा। एंड आप ऐसे कह सकते हो कि एक तगड़े चिपसेट वाला स्मार्टफोन अंडर 15,000 आपको देखने को मिल रहा है। वेरियंट 3 है, 4GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB। प्राइसिंग है 15,000, 17,000 और 19,000 रुपए। वैसे इसमें आपको एक्स्ट्रा रैम एक्सपांशन का भी सपोर्ट मिलता है, यानी जो 6GB वाला है और 8GB वाला है उसमें आप 5GB तक रैम एक्सपांड कर सकते हो, जो कि एक ऑप्शन है। मतलब एक्चुअल रैम तो नहीं होता, वो सिस्टम के रोम को यूज करके बनाते हैं वो लोग, बट स्टिल बहुत सारी चीजें उसमें आप कर पाओगे। चलिए ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद कुछ चीजें अच्छी है कुछ चीजें बुरी है। जैसे मैंने कहा इसमें आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस का 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD का पैनल मिलता है। मेरे हिसाब से 90 हर्ट्ज दे रहे थे तो यहाँ पे तो एमोलेड दे सकते हो, थोड़ा प्राइस बढ़ा देते चलता, लेकिन मेरे हिसाब से एमोलेड देना चाहिए था। IPS इस टाइम 15,000 के ऊपर जस्टिफाइड नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए अच्छी बात है, पंच होल के साथ आता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, रियर साइड पे ड्यूअल कैमरा ही दिया हुआ है, तो इस बार डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस वाला मजाक नहीं किया गया। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, आपको कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में बता देना लिख के। चलिए अच्छी चीज है, मतलब देखने में डिसेंट लगता है, थोड़ा वह कलर वलर वाला है, वैसे भी ग्लोबल लेवल पे जा चुका है तो वैसा ही दिखता है वो, अच्छी चीज है। चिपसेट की बात करोगे तो इसमें डायमेंसिटी 810 का चिपसेट आता है, 5G है, ऑक्टाकोर का है, 6 MAH बेस है, बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। स्कोर की बात करोगे तो 3.5 लाख के आसपास इसका स्कोर चला जाता है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा है, 15,000 के नीचे काफी अच्छा है। इसके बाद एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही आता है जो कि MIUI 12.5 के साथ आता है, जिसको पोको लॉन्चर के साथ देते हैं, तो थोड़े से ब्लोटवेयर आपको दिखेंगे लेकिन ऐड नहीं आएंगे, चीज याद रखना। चलिए अच्छी चीज, यानी परफॉर्मेंस का सेगमेंट आपको तगड़ा मिलने वाला है। देन कैमरा पे जाते हैं, कैमरा डिसेंट सा दिया है, 50 MP का प्राइमरी सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। जैसे मैंने कहा आपको मैक्रो डेप्थ वाला मजाक नहीं किया गया, तो पसंद आएगा शायद आपको। इसके साथ 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, वैसे रियर साइड से 4K कर सकते हो, इसके अलावा बुके पैनोरामा HDR सारी चीजें कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन कैमराज डिपेंड करता है कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, एवरेज से कैमराज है, प्राइस के हिसाब से कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन तो नहीं कहूंगा, एवरेज ही है। चलिए इसके बाद बैटरी में जाते हो तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33 W का चार्जर है, टाइप सी का पोर्ट है, बैटरी मैं कहूंगा अच्छी है फास्ट चार्जिंग के साथ, 15,000 पे अगर आप देखते हो तो एक डिसेंट बड़ी 5000 mAh की बैटरी, 33 W का डिसेंट चार्जर और एक आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। सेंसर्स में जाओगे तो सेंसर भरपूर करके दिए हो, मतलब ऐसा नहीं कि किसी चीज की कमी हो, 3.5 mm जैक से लेके IR ब्लास्टर से लेके स्टीरियो स्पीकर से लेके एक्सेलोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, मतलब जितने याद कर लो सारे आपको सेंसर्स इसमें भर के दिए हुए। अदर्स के डिपार्टमेंट में कोई इशू किया नहीं है। हाँ, स्लॉट में कुछ लोगों को पसंद आएगा क्योंकि एक्सपांडेबल दिया है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा क्योंकि हाइब्रिड एक्सपांडेबल है, यानी दो सिम कार्ड यूज करो या फिर एक सिम कार्ड एक SD कार्ड 1 TB तक बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सिम कार्ड से, तो दो ही सिम कार्ड लगाओ या फिर एक सिम कार्ड एक SD कार्ड। वेरियंट जैसे मैंने कहा 4GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB तीन आते हैं। वैसे 6GB और 8GB वाले को आप रैम एक्सपांशन के थ्रू रैम को एक्सपांड भी कर सकते हो, 4GB वाले में वो फीचर नहीं दिया गया है। प्राइसिंग जैसे मैंने कहा 15,000, 17,000 और 19,000 रखी गई है। 22 तारीख से मिलना चालू हो जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर दोपहर के 12 बजे, देखना चाहते हो देख सकते हो। अच्छे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे चिपसेट अच्छा है काफ़ी, बैटरी डिपार्टमेंट मुझे काफ़ी तगड़ा लगा, इसके अलावा जो सेंसर्स का डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी अच्छे लगे उस प्राइस के हिसाब से। कॉन्स की बात करोगे तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले थोड़ा सा आप कह सकते हो, देन इसके साथ साथ कैमरा थोड़ा एवरेज टाइप का है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं है इसमें, बाकी आप देख सकते हो। 15,000 के हिसाब से मेरे हिसाब से डील अच्छी है अगर 5G फोन लेना चाहते हो तो। बाकी आपको कैसा लगा जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, लोगे या नहीं है स्मार्टफोन, आपके हिसाब से कैसा है ये भी बता देना, और पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना। साइड में देखो वेक्टर में, जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।